पटना के SKM हॉल में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें बिहार के तमाम जिले से आए लोगों ने स्वीकृत किया। वही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि 7 नवंबर को गांधी मैदान में करेगी शक्ति प्रदर्शन। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने इस बारे में और क्या क्या बताया। नवंबर 2019 को हम लोगों ने गांधी मैदान आरक्षित करवा लिया है। अब तक के इतिहास में भूमिहार ब्राह्मणों ने कभी 50,000 और लाख की संख्या में भी संगठित होकर सरकार को ये संदेश देने का प्रयास नहीं किया कि हम केवल वोट नहीं है, हम भी एक वोट बैंक है, हम भी संगठित हो सकते हैं और हमारे पास भी अपनी शक्ति है। ये एहसास कराने का हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन जिस तरह से, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या शैक्षणिक हो, हमारे समाज का दोहन किया जा रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिनको भी नेता बनना होता है, जिनको भी चर्चा में आना होता है, वो भूमिहारों को गाली देते हैं, वो सवर्णों पर सवाल उठाते हैं। तो हमारा ये आप सबों से भी निवेदन होगा कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, एक बार हम लोग संदेश देंगे 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 5 से 6 लाख की संख्या में ब्राह्मण और भूमिहार समुदाय के लोग पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी रहते हैं वहाँ से एकत्रित होंगे और पटना के गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भर देंगे और सरकार को एक संदेश देंगे कि आप हमें मजाक समझने की भूल मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ मजाक। शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्या? शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्या गांधी मैदान से? देखिए, समाज को संगठित करने का मतलब ही होता है कि आप अपनी शक्ति का एहसास तमाम पार्टियों और सरकारों को करा रहे हैं। तो शक्ति प्रदर्शन का मतलब कि हम एक हो जाएंगे तो इससे ही हमारी शक्ति का प्रदर्शित हो जाएगी। सर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि आपके पुराने साथी आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले द्वितीय स्थापना दिवस और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य होता है अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, आगे की रणनीतियों पर चर्चा करना और जो नए साथी जुड़ते हैं उनको संगठन के पिछले गतिविधियों या उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना और समाज के बीच में क्या सकारात्मक संदेश देना है इससे अपने कार्यकर्ताओं को अवगत करना, ये हमारा उद्देश्य है। और आज भूमिहार समाज पे लगातार हो रहे जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कोई नई बात नहीं, 15 वर्ष राजद के शासनकाल में भी और ये 14 वर्ष नीतीश के शासनकाल यानी जदयू के शासनकाल में NDA की सरकार रही, लगातार 29 वर्षों से एक खास जाति भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है। ये चाहे वो लालू जी की सत्ता आई हो या नीतीश कुमार की सत्ता आई हो, लालू जी की सत्ता था तो दाढ़ पात नोचते थे वो दिखता था, नीतीश जी थोड़ा दिमाग के तेज हैं, इनके हाथ में दांत है तो ये रोज जड़ खोदते हैं और रोज उसमें मट्ठा डालते हैं, ये पेड़ सुखाने में लगते हैं। पंचायती राज में आरक्षण, आउटसोर्सिंग में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण बिहार में, इन मामलों का द्योतक है। ये तो जड़ सवर्ण रूपी, भूमिहार रूपी, ब्राह्मण रूपी जड़ को सुखाने में लगा। इस मंच का आरक्षण को लेकर क्या इसकी क्या विचार रहा है? हम लोगों ने आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष किया है और ये 10% जो आरक्षण मिला है इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरक्षण को लेकर हम लोगों ने सवर्णों को आरक्षण मिले इस मांग को लेकर 3 बार बिहार बंद इस मंच के माध्यम से कराया गया, जिसमें लगभग 2,500 इस संगठन के क्रांतिकारी युवाओं पर FIR भी दर्ज हुआ है। तो मैं सरकार से, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर हमें 10% ही आरक्षण मिली तो आपने हमारे आंदोलन को स्वीकारा है तब 10% आरक्षण दिया है, तो उस आंदोलन को लेकर जो भी FIR 2,500 दर्ज किए गए हैं वो FIR निरस्त होने चाहिए, FIR वापस होने चाहिए। इस न्यूज के सहप्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजिया वाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार,
वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।